सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो रिव्यू होने वाला है रॉकस्टार मूवी का, इंस्टेंट रिव्यू। अभी इतने टाइम से मैंने नहीं देखी थी, आज मैंने मूवी देखी है थोड़ा टाइम पहले ही, तो सोचा इसका थोड़ा सा रिव्यू दे दिया जाए, अपना रिएक्शन बताया जाए कि इस मूवी को देखने के बाद मुझे कैसा लगा। तो मूवी काफ़ी ज़्यादा मुझे ब्यूटीफुल और लाइट लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी लगी, मतलब सॉफ्ट सी, सॉफ्ट रोमांस एंड ब्यूटीफुल। इसकी मतलब इस मूवी को लेकर मुझे मुझसे सिर्फ यही वर्ड्स निकल रहे हैं अभी। म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा गजब, मतलब आशिकी जो 2 मूवी थी उसके बाद किसी मूवी का जो मतलब ओवरऑल म्यूजिक इतना ज़्यादा पसंद आया है। कला मूवी वो भी मैंने देखी अभी कुछ टाइम पहले। रॉकस्टार अब देखी 2023 में, वो भी मार्च ख़त्म होने वाला है, लगभग 27 मार्च हो चुका है रात का। सो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मूवी रही। एंडिंग थोड़ी सी मुझे शॉकिंग लगी एकदम से, मतलब अचानक से एंडिंग हो गई ऐसा लगा। मैं और देखना चाह रहा था, मूवी चलती रहनी चाहिए थी। इसका सॉन्ग चल रहा था तुम हो, और शॉर्ट्स चल रहे थे छोटे छोटे मूवी के जो फ्लैशबैक में थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। मैं देखता रहा जब तक नंबरिंग जो होते हैं ना, डिटेल्स वगैरह जब तक वो ऊपर नहीं जाने लगती, तब तक मैं देखता रहा कि अब कुछ आएगा। लेकिन मूवी ख़त्म, और देखना चाह रहा था, मतलब बैठा के रख लिया इस मूवी ने, हिलने का मन भी नहीं कर रहा था इसको, मूवी को छोड़ कर जाए। जैसे छोटे मोटे काम के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं, बस जल्दी से निपटाओ, पॉज की आके कंटिन्यू की, तो बैठा के रख लिया था, जोड़ लिया था। बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा मूवी देखने के बाद। कुछ चीज़ें जो मुझे लगती हैं इसने मूवी ने बताई हैं, जैसे कि इसमें अपना जो करेक्टर है उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो वो दिखाया है, इसकी जो लाइफ का टर्न्स दिखाए हैं, जो ग्राफ ऊपर जा रहा था धीरे धीरे, कहाँ से शुरू हुआ जो लाइफ का जो सफ़र है इनका, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। बहुत ही ज़्यादा प्यार, मतलब इतनी ज़्यादा प्यार से, इतनी ज़्यादा सॉफ्टली उसको जो है, जो करेक्टर है उसको मॉडिफाई किया गया धीरे धीरे, किस तरह से वो चेंज होता गया, कैसे चीज़ें बदली, तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से गया, पता भी नहीं चल रहा था कि कब कहाँ से कितना जल्दी, मतलब कहाँ लेवल पहुँच गया। और कभी कभी लगता है कि पॉपुलैरिटी वगैरह बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि हमारे जो जैसे फेमस हो जाते ज़्यादातर, तो पॉपुलैरिटी कभी कभी नुकसानदेह भी होती है। ये मैं सिर्फ इस मूवी को देख के नहीं, ज़्यादातर मूवी में मुझे लगा कि जो मीडिया वगैरह होता है और जो न्यूज़ चैनल वगैरह होते हैं, तो उनकी लाइफ, उनकी वजह से जो हमारे स्टार्स वगैरह होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग ही टाइप का सफ़र करना पड़ता है, एक अलग ही टाइप की, वो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं, जैसे कि इस मूवी को देख के मुझे अंदाज़ा लगा। इसी तरह का आशिकी मूवी, आशिकी 2 में दिखाया गया था इस टाइप का। जो कभी कभी मुझे लगता है कि फेमस होना शायद इतना भी अच्छा नहीं होता, इनको देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जितना अच्छा होता है उतना। और डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मूवी का, जो मतलब शॉर्ट्स वगैरह हैं, एक एक शॉर्ट्स मतलब बहुत ज़्यादा प्यारे लगे, काफ़ी ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर मूवीज़ में इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती। मैंने बहुत ज़्यादा सुना था रॉकस्टार मूवी के बारे में इधर उधर से, कभी देखने का मन नहीं किया पता नहीं क्यों, लेकिन आज मूवी स्टार्ट की, देखने शुरू की उसके बाद, तो फोन अपना मोबाइल साइड में रख दिया, अब जाके उठाया कि चलो रिव्यू दे दिया जाए। अब से मैं कोशिश कर करूँगा जो भी मूवी हो, जो भी मूवी मैंने देखी उसके बारे में छोटा सा अपना रिएक्शन, अपना रिव्यू आपको के साथ शेयर किया जाए, चाहे वो जैसा भी हो शेयर जरूर होगा। और अगर आपको रिव्यू रिएक्शन पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करो, कमेंट भी कर सकते हो, अगर कुछ आपको गड़बड़ नजर आ रही है, कुछ आप चाहते हो कि कुछ इम्प्रूव किया जाए, तो ज़रूर जो है सजेशन दिया करो, ठीक है, कमेंट किया करो। ओके, और सोचता हूँ कुछ इसके बारे में, और क्या अच्छा लगा, लग रहा है कि आज की रात काफ़ी अच्छे सपने आने वाले हैं, क्योंकि आज मन सिर्फ इस मूवी को लेकर, इस म्यूजिक के अंदर ही घूमता रहेगा मन। तो तुम हो ये गाना मैं अभी डाउनलोड करने वाला हूँ, सुने मैंने पहले भी ये गाने, रॉकस्टार, सड्डा सड्डा कैथेरा कर,
और तुम हो पहले भी सुने, लेकिन आज की जो वाइब आ रही है वो अलग ही है। और जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी अभी भी तो हाईली रिकमेंडेड है, आप जाके देखिए। लेकिन माहौल बनाना होगा आपको, तब देखने जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मूवी बांध के रखेगी। अगर आपको कोई डिस्टर्ब भी करेगा तो लेकिन आप फिर आके जरूर देखोगे, ऐसी मूवी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक बॉन्डिंग जो है वो बन जानी चाहिए अच्छे से कि आप देख रहे हो तो मूवी में ही खो जाएं। तो मेरे साथ तो ऐसे हुआ था, जब तक नंबरिंग नहीं तब तक हटा नहीं, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है अभी। सो देखते हैं अभी नेक्स्ट रिव्यू लेके आते हैं, कौन सी मूवी देखते हैं। हालांकि मैंने बहुत सारी मूवीज देखी हैं, तो आज सिर्फ इसी का रिव्यू देते हैं। जो अभी जो पेंडिंग में मूवीज मैंने देखी हुई है उनका रिव्यू मैं बाद में लिखूंगा। ओके, तो सिर्फ आज ही रॉकस्टार, तो रॉकस्टार को मिलते हैं पूरे 5 स्टार, ओवरऑल 5 स्टार। एंडिंग काफ़ी ज़्यादा गजब की रही, कब में एंड हो गया मूवी का पता ही नहीं चला, तो वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए शॉकिंग चीज रही इस मूवी की एंडिंग। सुबह तक मूवी चलती रहती तो शायद मैं सुबह तक भी देखता रहता। ओके, सब में एंड करते हैं, अभी काफ़ी होगा, इतना कर देते हैं एंड, वाकई में एंड कर देते हैं। चलो ओके, टाटा बाय बाय, सी यू सोन।